थोड़ी मुश्किल हो रही है, पर ऐसे नज़ारे बार बार नहीं मिलते। और यहाँ देखिए एक इग्लू। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पिछले कल ही मतलब दो दिन से स्नोफॉल हो रहा था, तो सारी माउंटेन्स वाइट इसको छोड़ के काफ़ी बर्फ़ पड़ गई है मनाली साइड भी। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा बनाया आज कि हम जा रहे हैं मनाली, और मेरे एक फ्रेंड आए हुए हैं राजस्थान से, आज सुबह ही मनाली पहुंचे वो, तो उनसे भी मिलना है। बाकी या लेट्स गेट गोइंग नाउ। अभी पहुंचे हम बजाज शोरूम पतलीगुल, और भरत का फ़ोन आया था, तो उसने बोला कि बाइक का काम करा रहे थोड़ा थोड़ा बहुत अपग्रेड, तो वो चेक करते हैं। बाकी थोड़ा काम भी था, वो भी कर लेते हैं। वो देखो यहाँ पे जी, भरत उस बाइक का टायर चेक कर रहा है। वी रबड़ है ये, ऑफ रोड के लिए 50-50। ये वाला टायर जल्दी घिस जाता, काफी सॉफ्ट कंपाउंड का टायर है तो ये जल्दी घिस जाता है। लास्ट टाइम जब हमने इस टायर को चेक किया था तो इसके नॉब भी यहाँ तक थे, मतलब इतने, और अभी इतने। ये रहे हमारे निशांत भाई, और ये लग रहा है यहाँ पे मडगार्ड। अभी निकल रहे हैं बजाज से, और ठीक है निशांत भाई। ओके जी, ओके बड़े भाई, ठीक है। आकाश तो मेरे साथ जा रहा है ना, ठीक है जी। ओके मिलते बाद में। यानी मनाली आए, ढूंढते ढूंढते जाएंगे। चलो जी ठीक है, मनाली में मिलते हैं। रांगड़ी पहुंचने वाले, और बर्फ़ देख सकते हैं आप, रोड के दोनों साइड बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा, ट्रैफिक भी काफ़ी है आज। जो टूरिस्ट आए हुए थे वो वापस जा रहे हैं, और नए टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे वैली में। व्यू तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल माउंटेन पीक दिख रही है, पेड़ों पे भी बर्फ़ टिकी हुई। अभी कराया है हमने फ्यूल अप, और 320 का डला फ्यूल रंगड़ी पेट्रोल पंप से, और आकाश कर रहा आगे इंतज़ार। और यहाँ पे बैटरी भी कम हो गई स्कूटी में, ठंड की वजह से स्टार्टिंग इश्यूज आ रहे हैं। लॉजिक किक मार के होगी स्टार्ट, और ये बर्फ़ में नाचती हुई। चल 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 मेरी धनो, आए नाच नाच के पहुंच ही गई। अभी जा रहे हम कन्याल रोड पे, सेजल कॉटेज वाले रोड पे ही, यहाँ पे लग गया है जाम। ओह शिट, ओके काफ़ी लंबा जाम, गाड़ियाँ खड़ गई है, और ये देख सकते हैं आप आगे सुमो लगी हुई है एक सबसे आगे, तो दे रहे धक्का भी लोग उसको। बाकी ये रहा आकाश। सो हेलो गाइस, सो हेलो फ्रेंड्स, पूरे में बर्फ है स्लश, और यहाँ से जाना है अभी मैंने, तो कैमरा जाता है आकाश के पास, ये करेगा शूट। तो चलिए चलते हैं स्लैश वाले रोड पे, यहाँ पे टायर बहुत स्लिप हो रहा है। ये थोड़ा रास्ता यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्नो पे है, और सामने एक टेम्पो भी खड़ी है, तो आने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और हमारे अभिमन्यु जी स्कूटी के साथ थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, थोड़े कष्ट तो करने ही पड़ेंगे यहाँ से निकलने के लिए। ये गाड़ी यहाँ पे फंस गई है। ओके, स्नो में रोड थोड़े स्लिपरी हो जाते हैं, तो इसलिए
गाड़ियाँ निकल नहीं पाती है। यहाँ इस रोड पे थोड़ी ब्लैक आइस ज़्यादा जमी हुई है, तो मेरे ख्याल से स्कूटी को चलाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो अभी आ रहा है, होप चढ़ जानी चाहिए। फिलहाल तो चढ़ गई, अभी आगे का रास्ता देखते हैं। टाइम अपडेट, इट्स 12:30 सॉरी। और अभी हम हैं कन्याल रोड पे। तो यहाँ पे जो मेरे साथ कॉलेज टाइम भैया थे, मेरे सीनियर, वो आए हुए हैं, अविनाश भाई, और ये उनके वाइफ। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी मुश्किल से स्कूटी पहुँचाई ऊपर, ब्लैक आइस जम गई है रोड पे। तो देखते हैं आगे का प्लान, शायद अभी मनाली जाना है। निकल रहे हैं यहाँ से कन्याल से, और यहाँ पे नीचे आइस जमी हुई है, तो स्कूटी मोड़ना थोड़ा ट्रिकी जाएगा। और अभी थोड़ा स्ट्रगल स्कूटी मोड़ने में, क्योंकि रीज़न आपको पता ही है, बर्फ बहुत जमी हुई है। अभी स्कूटी मोड़ते फिर देखते उसके बाद कहाँ जाना है। तो स्लाइड करते हुए जा रही है स्कूटी। और ये फंस गई। अभी हम रुके हुए थे थंबनेल के लिए, और थंबनेल के चक्कर में देखो स्कूटी फंस गई है। अभी उसको निकालने की कोशिश जारी है। अभी हाँ, सो स्कूटी तो अभी निकल गई है जी। अभी आ गए हैं हम मनाली, और स्कूटी कर दी है पार्क। मनु मार्केट जो है वहाँ से नीचे सीढ़ियाँ आती है, वहीं पे पार्क की हुई है। और अभी जा रहे हैं हम मार्केट को, फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है आगे का। यहाँ पे सीढ़ियों पे चलने के लिए मनु मार्केट वालों ने यहाँ पे साफ किया है, मतलब चलने के लिए। यहाँ पे बर्फ है अभी भी। यहाँ पे क्राउड देखो एक बार आप लोग, भरपूर मात्रा में टूरिस्ट। जा रहे हम ओल्ड मनाली की तरफ, पैदल ही जा रहे हैं अभी। स्कूटी नीचे ही खड़ी है। यहाँ एकदम ऊपर आके प्लान बना कि ऊपर की ओर भी जाके आते हैं, फिर स्कूटी थी नीचे, फिर सोचा कि जी पैदल ही चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी बर्फ़ भी ज़्यादा है, बाकी फिर ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि गाड़ियों के बीच में फिर फंस गई तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे 4x2 गाड़ियाँ जो है उनको चलने चढ़ने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे वो पीछे गाड़ी आ रही है, एक वो भी स्पिन मारते हुए आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं गाड़ी वाले। अभी चलते जा रहे हैं ऊपर की ओर, और यहाँ पे ऊपर से पानी गिरता है, ऐसे रोडों को भगा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल आराम से चलने से, क्योंकि बीच बीच में ब्लैक आइस भी जमी हुई है, तो कोई पता नहीं लगता कहाँ से स्किट हो गया। बाकी पेड़ों से गिर रहा पानी, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। तो जी यहाँ से है हडिम्बा के लिए राइट साइड से, अगर ओल्ड मनाली जाना तो सीधा, और ये नया गेट, ये क्या हडिम्बा साइड को रोड। अभी जा रहे हैं हम हडिम्बा माता के वहाँ पे टेंपल, और रास्ते में देखो स्नो कवर्ड ट्रीज, और रोड पे काफ़ी स्लश। अभी टेंपल जाते जाते हम लोगों को मिल गए हैं यहाँ पे कुछ साथी हरियाणा से। तो अंकल जी, आप हेलो, मेरा नाम अशोक कुमार है। धर्मेंद्र
रमाई दस पढ़ा लिखा दसवीं पास ये आ गया हमारा रामपाल। हेलो रामपाल भाई। तो जी अभी जाते हैं हम ऊपर की ओर और पर एक मिनट आप बता दो आपको कहाँ जाना है, आप अपने बारे में तो बताइए। अभी कुछ लोग मिले थे तो काफी अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके वर्क को। तो आप लोग ये हैं हमारे व्यूअर जो है प्यारे व्यूअर्स, आप लोग हैं तभी हम हैं। तो जी आई होप कि आप भी हमारे काम को अप्रिशिएट करेंगे जैसे इन्होंने अभी किया है। और वीडियो कीजिए लाइक और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से। अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप चेक दिस आउट। यहाँ पे लग गया फुल पावर जाम। अच्छा वो स्कूटी नहीं लाए। चलो 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 भरपूर मात्रा में टूरिस्ट भरपूर, काफी लंबा जाम लगते हुए। गाड़ी पर बैठे देखो, हाय कैसे हैं भाई लोग, ऐसे मजे ले रहे देखो यहाँ पे। तो जी अभी मंदिर की ओर जाते हुए हम और यहाँ के व्यूज कुछ इस तरह से पूरे में आइस जमी हुई है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। देख समझ लगा और पेड़ों से बर्फ़ गिर रही है मतलब नीचे को और मेरी जैकेट गीली हो रही है। यहाँ पे ना सनलाइट आ रही है पेड़ों से और व्यू काफ़ी स्पेक्टेक्युलर खतरनाक वाला। देखो स्पेक्टेक्युलर के चक्कर में यहाँ पे लोग गिरते पड़ते आ रहे हैं ऊपर। ये फिर से गिर गया। फाइनली टेंपल यहाँ पहुँच गए हैं और मेरे पीछे ये रहा टेंपल हडिंबा माता और काफ़ी स्नो यहाँ पे और पिछली बार थोड़ी कम भीड़ है इस बार आई थिंक बिकॉज ऑफ द स्नो। और आकाश रील्स बनाने से मान नहीं रहा तो चेकआउट और इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ आ रहा होगा कहीं नीचे। तो या तो जी आकाश की थी इच्छा मंदिर आने की तो उसकी इच्छा भी हो गई है पूरी। और अभी हम उतर रहे हैं ओल्ड मनाली वाली साइड को टेंपल से ही, मंदिर से उतर गए हम नीचे को। और यहाँ देखिए एक इग्लू और काफ़ी अच्छी सी सिनेमैटिक सी लोकेशन और काफ़ी लंबे लंबे पेड़ और इनके ऊपर बर्फ। और मैं बता दूं आप लोगों को कि गोप्रो की बैटरी सिर्फ 3% रही है तो मेरे को बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। लकीली मेरे पास एक और बैटरी है। काफ़ी ब्यूटीफुल सी लोकेशन और हल्की हल्की बर्फ गिरती हुई ऊपर पेड़ों से। और हम जा रहे हैं यहाँ से आगे को। चला आकाश आगे आगे चलो। तो जी चेक आउट द व्यू भाई साहब, खतरनाक इस ज़बरदस्ती बर्फ़ गिरा रहा है मेरे ऊपर। और जी चेक आउट द व्यू भाई साहब, अमेजिंग जिंग जिंग वाला अमेजिंग। अभी हम हैं जो ओल्ड मनाली वाला चौक है वहाँ पे। तो ये रहा नीचे ब्रिज, ये ओल्ड मनाली वाला रोड, ये ऊपर कहीं मनु टेंपल, इसमें कैमरा में तो दिखेगा नहीं। और इस साइड को वहाँ पे है क्लब हाउस। तो यहाँ पे एक चुड़वाई मिल गया आपको। आपका नाम क्या है? गगन। यही से हो? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से। बढ़िया बढ़िया। अभी जा रहे हैं हम वन विहार से होते हुए और आकाश का अच्छी काफ़ी अच्छी अच्छी रील शूट कर रहा है। एक दो मैंने भी की पर पता नहीं कैसी आई है। तो डू चेक आउट ट्रेवल हराइजन इंडिया इंस्टाग्राम, यहाँ पे नाम आ रहा होगा। और अभी टाइम अपडेट है 3 PM और ठंडा भी हो रहा है अब धीरे धीरे जैसे जैसे धूप जा रही है। तो सोच रहे हैं हम कि टाइम से घर जाते हैं क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और टू व्हीलर में तो आत्मा बाहर आ जाएगी हमारी। वन विहार भी ख़त्म होने को आ गया और माल रोड पहुँचने वाले हम।
पर जो ये वाला पैच था ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वन बिहार का जो रास्ता है। बस ये है कि मेरे कपड़े गीले हो गए, ऊपर से बर्फ़ गिर रही है पेड़ों से, तो जैकेट गीली हो चुकी है। बाकी हाथ भी ठंडे और लकीली आज मौसम साफ था जी। अभी मॉल रोड पहुंचने वाले हैं, वन बिहार से आगे है बाहर। और आकाश भी ये इसको भूख लग रही है, मेरे को भी, तो अभी देखते हैं खाने वगैरह का प्रोग्राम क्या बनता है। बाकी हाथ सुन होते हुए आकाश लंच करने। हाँ जी, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा और लोगों को चलने में दिक्कत स्नो की वजह से। मैं अभी मनी मार्केट में और भूख लग रही है, मैं तीसरी चौथी बार बोल बैठा हूँ तो, क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही है पांचवी बार। और अभी आंटी वाली शॉप पे जा रहे हैं मोमो खाने। तो जी अपने गरम गरम मोमो आ गए हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, मैंने दो मोमो वैसे भी खा लिए, भूख ज़्यादा थी, भूख कर यू नो पिछली बार मेरे को बोला था, इस बार ये पूरी भूखड़ बनी है। ये है बस स्टैंड से नीचे का नज़ारा, तो हम जा रहे हैं अभी वापस, अभी स्कूटी बाहर निकाल रहा है, थोड़ी सी मुश्किल होते हुए फिर से, क्योंकि दोबारा से बर्फ में थोड़ी फंस गई है, तो इसीलिए वजह से स्कूटी निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, थोड़ी मुश्किल हो रही है, पर ऐसे नज़ारे बार बार नहीं मिलते। टाइम अपडेट, इट्स 4:30 PM नाउ और धूप भी जा चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक था आज का दिन, मतलब मज़ा आया स्नो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और या अब निकलते हैं घर की ओर, हाथ भी सुन्न हो गए हैं पूरी तरह से दोनों हाथ, और ठंडा भी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।